सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मधु सिद्धवी ने कहा, अदालतों जहां हमारे द्वारा बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता जिया की कृपया उनकी सदस्यता यानी राहुल गांधी की बहाल की जाए। लोकसभा और उनके उचित अधिकार वाले घर में उनकी वापसी उतनी अवधि में बहाल की जाए जिस तरह उन्हें बहाल किया गया था। There is no way forward required by the courts or by us. The only way forward is that please restore his membership, his entry, both into Lok Sabha and into his proper rightful rights, house, etc., within the same time as you unceremoniously turned him out. I don't remember, but I believe he was turned out both from the house and from his habitation in about 24 to 48 hours. Now, where is the question of delaying things now? There is no complicated question awaiting anyone. He should simply be restored to status quo ante. So how hopeful are you, sir? Are you very positive? Democratic spirit requires that. I have faith in the process. I think our founding framers have made India the world's largest democracy on the basis that we have to exercise magnanimity. Between us, there has to be grace. And I hope and trust that the grace is displayed. I will not make a comment irresponsibly now. Let us see next week. Sir, दो ही अदालतों में चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, पक्ष में फैसला नहीं रहा, विपक्षी पक्ष में फैसला आया, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इलेबोरेट चीजें कही, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो कहा है वो आपके सामने है, मेरा कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। उन्होंने, मैं समझता हूँ, सही रूप से, कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय की निंदा की है, जो निंदा के योग्य है। उन्होंने इस प्रकार के अजीबोगरीब कंक्लूजन्स दिए हैं उच्च न्यायालय में कि जब तक उच्चतम न्यायालय, जो बनाया ही इसलिए गया है कि वो करेक्ट करे ऐसे गलतियों को, नहीं कहेगा ये, तो भविष्य के लिए ये गलतियां वापस होती रहेंगी। अब वो सब आप जानते हैं कौन सी गलतियां हैं, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आपने सुना है, तो मैं समझता हूं कि ये बैलेंसिंग जो होती है उच्चतम न्यायालय ने सही की है। आखिरी सवाल सर, आपके क्लाइंट के लिए भी कुछ बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन टिप्पणियों के लिए आपने अपने क्लाइंट को? देखिए, ये गलतफहमी है। उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से कन्विक्शन स्टे किया है, उसका परिणाम स्वरूप जो भी निष्कासन या निलंबन है वो भी स्टे हो जाना चाहिए तुरंत, जहां तक लोकसभा का सवाल है। उन्होंने इसके कहने के दौरान एक पूरे आदेश में तीन लाइन लिखी है, अभी तक ऑर्डर हमारे पास नहीं है, जिसमें ये कहा है कि अगर वो कंटेम्प्ट का निर्णय पहले आया होता तो शायद वो एक आधार बनता, लेकिन कंटेम्प्ट का निर्णय आया था लगभग 8 महीने बाद। ये कोलार की स्पीच अप्रैल की है, वो नवंबर का है, तो उस पर हमको एक पूंछ के बाल को लेके हम क्यों बात करें, जबकि आप इग्नोर कर रहे हैं हाथी को भी, घोड़े को भी और कुत्ते को भी।